केंद्र सरकार वालों पेट्रोल डीजल दीआं कीमतां घटाउण मामले च सियासी बयान सामने आ रहे ने। कई राजनीतिक लीडर केंद्र सरकार ते निशाने साध रहे ने अते कई इस फैसले नूं सही मंदे नजर आ रहे ने। उत्थे ही इस ते सिख्या मंत्री प्रगट सिंह दे वालों इस फैसले की शलाघा करदिआं कहा गया कि ओह कैबिनेट की मीटिंग दौरान फैसला लैणगे तां जो आम लोकां नूं राहत मिल सके। इस दे नाल ही उन्हां वालों पंजाब दे साबका मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत नवजोत सिंह सिद्धू बारे की कुछ कहा गया, आओ सुनते हैं। देखो, अच्छी बात है, और क्योंकि पेट्रोल और डीजल ही एक दो ऐसी चीज़ें हैं जो महंगाई में बढ़ोतरी भी करती हैं और उसको कम भी करती हैं, क्योंकि हर चीज़ उसके साथ जुड़ी हुई है। और जी, अच्छी बात है, मैं समझता हूँ, और हमने डिस्कशन जरूर की है, लेकिन अल्टीमेटली फैसला हम कैबिनेट में लेंगे। लेकिन कई जगह बीजेपी की राज्य सरकार है, वहाँ पे भी जो पेट्रोल डीजल पे वैट कम किए गए, लेकिन अभी तक पंजाब सरकार ने नहीं किया। देखो, हमारी डिस्कशन जरूर हुई है, लेकिन उसके जो जो भी प्लस माइनस है वो हम कैबिनेट में ला के उसको करेंगे जरूर। सर, कहीं ना कहीं देखा जाए हरियाणा में पहले ही रेट कम थे। चलो, वो अलग बात है, लेकिन हम भी इसमें कोशिश करते हैं कि इसको कितना और जो है वो ठीक किया जा सकता है, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। कहीं ना कहीं देखा जाए केंद्र सरकार द्वारा आम लोगों को एक दीपावली का तोहफा दे दिया गया तेल के रेट कम करके, मतलब पंजाब सरकार कब देगी? मतलब 9-7 साल उन्होंने बिल्कुल खूब चूसा हमारे जितने लोग हैं, और 7 साल के बाद आप ये समझते हो कि अभी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम, क्योंकि देखो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फाइनेंशियल पोजीशन है वो एक डिफरेंट तरह की फाइनेंशियल पोजीशन है, लेकिन उसमें जो पंजाब गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें वो एक डिफरेंट तरह की वो है। इसको हमें मिसमैच नहीं कर सकते, हम इसको मैच करके कहीं ना कहीं जितना भी हो सकता है उसको राहत जरूर दिलाएंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए मोदी सरकार, जहाँ मोदी जी खुद कहते हैं कि वन नेशन वन टैक्स, कहीं ना कहीं देखा जाए तो पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? तो हमें ये भी करना चाहिए कि जितना हमारे पंजाब से टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके जाती है हमें वापस भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप एक बात करते हैं कि एक पैरामीटर के लिए ये होना चाहिए, जितनी हमारी यहाँ से टैक्स रिकवरी है जीएसटी के द्वारा, हमें उतनी वापसी तो मिलती नहीं है, क्योंकि वहाँ तो ये पैरामीटर फिर डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्स कर लेती है। हमारे लोग ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा टैक्स देते हैं, तो उनकी डेवलपमेंट भी ज़्यादा होनी चाहिए, हमारी सरकार को उस टैक्स से ज़्यादा पैसा आने चाहिए। क्योंकि ये फिर कहते हैं कि हमने दूसरे स्टेट्स को भी, भाई वहाँ भी ऐसा माहौल क्रिएट करो, हम नहीं कहते, क्योंकि पंजाबी जो है वो दूसरों से ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा रिस्क लेता है, ज़्यादा टैक्स देता है, तो इसका खमियाजा ये तो नहीं हो सकता ना कि हमें जो जीएसटी का हिस्सा है वो कम आए, जब बाकी स्टेट्स जो है वो हमसे ज़्यादा लेके जाए। सर, एक पीछे नवजोत सिंह सिद्धू इस प्रोग्राम में गए थे जहाँ कैप्टन पे तो उन्होंने निशाना साधा, साथ ही मुख्यमंत्री पर भी निशाना। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो सारा कुछ सॉर्ट आउट, जो 1 लाख नौकरी देने की बात की गई है, लेकिन जो बेरोजगार, वो सारा सॉर्ट आउट हो गया, उसके ऊपर ज्यादा मैं क्या, उनको पक्का कर दिया गया है टीचरों? देखो, हम जितने भी जो भी कर सकते हैं, जो भी हम 20,000 टीचर नए भर्ती करने जा रहे हैं अप्रोक्सीमेटली ये 30 नवम्बर तक, क्योंकि अगर जो कोर्ट का कोई ऐसा वैसी, क्योंकि एक हमारी जो जजमेंट है वो रिज़र्व रखी गई है, उसको 11 तारीख को जो है वो कोर्ट ने देना है, अगर वो हो जाती है तो हमारी 20,000, क्योंकि 2 महीने में 20,000 की रिक्रूटमेंट बहुत होती है, और इसी तरह जो हमारे लेक्चरर हैं वो हम 1100 के करीब वो भर्ती कर रहे हैं। लेकिन जो नवजोत सिंह सिद्धू ये बोलते नजर आए कि जो खजाना है वो तो पहले से खाली है, तो कहाँ से लेके आएंगे पैसा, कैसे किया जाएगा मैनेज? ऐसी बात नहीं, एक डिफरेंट एंगल है कि हमें खजाने की इम्प्रूवमेंट तो करनी पड़ेगी, तो उसके लिए जैसे हम कहते हैं कि जो एक्साइज की कॉरपोरेशन वो बननी चाहिए,
क्योंकि वो नहीं बनी, इस समय बन नहीं सकती थी। इसलिए नहीं बन सकती थी क्योंकि एक साल का पूरा जो जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें सारी पॉलिसीज़ बनती हैं, तो उसके हिसाब से ये 3 महीने में नहीं हो सकता था। लेकिन मेरा ख्याल है कि आने वाली सरकार में हम ज़रूर उसको कॉरपोरेशन में लाएंगे और ये सारी चीज़ें जो है वो ठीक तरह से तय होंगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा देने के बाद अपनी जो नई पार्टी का ऐलान किया है, तो उसे कैसे देखते हैं कि उसका कोई प्रभाव पड़ेगा आने वाले इलेक्शनों में? नहीं, मेरा ख्याल नहीं कोई ऐसा प्रभाव पड़ेगा। मेरा ख्याल है कैप्टन अमरिंदर सिंह गलत रास्ते पर जा रहे हैं। मैंने तो हमेशा एक उनको रिस्पेक्ट की निगाह से देखा है। अनफॉर्चुनेटली वो पिछले 3-4 साल नहीं परफॉर्म कर पाए जो उनकी कैलिबर है। तो मेरा ख्याल है कि वन हैज़ टू एक्सेप्ट इट कि हाँ भाई, जो इंसान आया है उसने जाना है, उसने अपनी इनिंग खेल के आगे बैटन देना है। तो आई डोंट थिंक सो कि ही शुड टॉक लाइक दिस। कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस को नुकसान होता दिखाई देता है इनकी पार्टी की वजह से, क्योंकि अभी तो पार्टी का ऐलान किया है तो जो बाकी विधायक वगैरह या जो पुरानी उनकी कैबिनेट थी जिनको निकाल दिया गया मंत्रियों को, अगर वो जुड़ते हैं तो उसका लगता है कोई ऐसी बात नहीं। पहले भी इन्होंने पार्टी बनाई थी, अभी भी बना लेंगे। उसमें पार्टियां देखो, मैं डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में किसी को भी राइट है पार्टी बनाने का। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये कोई इम्पैक्ट कर सकेंगे। ये मेरा ख्याल बीते हुए समय की बात है। क्योंकि क्या लगाया जा रहा है कि ये पार्टी बनाने के बाद बीजेपी के साथ जो है समझौता करेंगे, अलायंस करेंगे, उसको कैसे कर लेंगे? अच्छी बात है। बीजेपी का पंजाब में क्या हाल है? पिछले 1 साल से 700 किसानों की शहादत हुई है, और उसके बावजूद भी आप सोच सकते हैं कि इसका मतलब या तो कैप्टन अमरिंदर सिंह, मैं तो 3 साल से कह रहा हूं कि मिले हुए हैं, तो ये तो उसकी कन्फर्मेशन ही है ना।